नमस्कार, मैं डॉक्टर बालकिशन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी सर्वोदय हॉस्पिटल। आज काफ़ी टाइम के बाद में आप लोगों से, करीब एक साल के बाद में, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आई अंडरवेंट ए सर्जरी फॉर स्कल बेस्ड ट्यूमर एंड आफ्टर सर्जरी आई लॉस्ट माई वॉइस एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स। ऑलमोस्ट लॉस्ट माई वॉइस फॉर 4 मंथ्स and by the God grace, by the magical hand of the Dr. Satish Jain, who has operated on me, and by my friend ENT HOD Dr. Bhatia, and with the help of the our hospital, Sarvodaya Hospital speech therapist, I got my voice again and I am in front of you. आज जो मुझे टॉपिक मिला है आप लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि मैं सर्जरी के लिए गया हूँ, ऐसे ही आप लोगों में हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि जो लोग सर्जरी के लिए अवेटेड हैं, जिनका कोई भी ऑपरेशन प्लान था, हम 3 कैटेगरी लोगों की बात करेंगे। सबसे पहले इस कोविड पैंडेमिक में, अभी ये सेकेंड पैंडेमिक चल रहा है, हम बात करेंगे 2020 जबकि फर्स्ट पैंडेमिक आया था, उस समय मार्च 22 को पैंडेमिक का अनाउंसमेंट हुआ था, तब लॉक हुआ था इंडिया करीब 22 मार्च से। तो उस समय कई लोग पेंडिंग थे सर्जरी में, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, बीच में कोरोना के केस एकदम से इन्फ्लक्सली काफ़ी आए, उसके बाद में धीरे धीरे कम हुए सितंबर तक, तब भी लोगों ने सोचा कि अब हम सर्जरी कराएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में सर्जरी लोग मई जून में ज़्यादा कराते हैं, जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो अपने मई जून में सर्जरी कराएंगे। अब जब 2021 आया तो कुछ लोगों ने तो उस दौरान अपनी सर्जरी कराई, पर जैसा कि हमारा एटीट्यूड होता है टालने का, तो कई लोग जो वेट कर रहे थे, दोबारा से पैंडेमिक आ गए और उनकी सर्जरी फिर डिले हो गई। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, अब लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ये सुनने में आ रहा है मीडिया में कि थर्ड पैंडेमिक भी आ सकता है, और कोविड अभी हमारे बीच में पैंडेमिक आते रहेंगे और 3-4 साल तक रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों के मन में ये परेशानी है कि क्या टाइम हो, क्या जगह हो, कि सर्जरी के लिए, जो कि इलेक्टिव सर्जरी के लिए वेट कर रहे थे कि हमें कब सर्जरी करानी चाहिए, सर्जरी में काफ़ी डिले होने से कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होंगे। तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे शॉर्ट में। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे सर्जरी में, एक तो इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें कि पेशेंट को पूरा प्रिपेयर किया जाता है, कि जिसमें पेशेंट 15 दिन 20 दिन महीना वेट कर सकता है कि जब वो फुली फिट हो, ऑप्टिमाइज होने के बाद में उसकी सर्जरी कर देते हैं। एक होती है सेमी इमरजेंसी टाइप, कि जिसमें पेशेंट को विनिर 1 और 2 डे का बिल्डअप किया जाता है और उसके बाद उसकी सर्जरी करी जाती है, वो सेमी इमरजेंसी। और एक होती है इमरजेंसी, जिसमें पेशेंट को रिस्क लेके, कि चाहे पेशेंट फिट है या नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ सेविंग सर्जरी करनी होती है, वो होती है इमरजेंसी सर्जरी। तो अब हम इस कैटेगरी में बात करते हैं कोविड के पेशेंट्स में। एक तो वो पेशेंट जिनको सर्जरी अवेटेड है, चाहे 2 साल पुराने से या 1 साल से या 6 महीने से, जिनको कोविड नहीं हुआ है। तो यदि आप मेरी सलाह पे जाएं तो वो समय आ गया, क्योंकि हम इस सेकंड पैंडेमिक के लास्ट में हैं। तो अब ये सेकंड पैंडेमिक के लास्ट में है, तो अब ये सारे हॉस्पिटलों ने वहाँ पे कोविड का काफ़ी लोड कम हो गया है और सबके वहाँ पे इलेक्टिव सर्जरी चालू हो गई है। तो आप अपने अपने कंसर्न डॉक्टर से ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि वेट करने से क्या होगा कि डिजीज का प्रोग्रेशन हो सकता है, उसके मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा। तो अब अपने अपने डॉक्टर से मिलके और अपनी सर्जरी की डेट फिक्स करा लें, उसमें एंजाइटी लेने की बात नहीं है। या अब मैं आपको दूसरी गाइडलाइन बता रहा हूँ कि जिन लोगों को सर्जरी अवेटेड थी और सेकेंड वेव में जिनको कोविड हुआ है, तो जिन लोगों को कोविड हुआ है उसमें 3 कैटेगरी है। जिन लोगों को कोविड हुआ, या तो वो एसिम्टोमेटिक थे, या वो घर पे ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ में थे और वो घर पे ही ठीक हो गए। सेकेंड कैटेगरी वो है कि जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, पर उनको डिजीज माइल्ड टू मॉडरेट थी, मतलब कि वो वार्ड में ही 4-5 दिन के ट्रीटमेंट से घर आ गए। एक कैटेगरी है कैटेगरी थर्ड पेशेंट, जो कि सर्जरी के दौरान, जिनको कोविड के दौरान, जिनको कि आईसीयू में रहना पड़ा और कई करीब 15-20 दिन महीने का जिनका हॉस्पिटलाइजेशन रहा, जिनको आईसीयू में काफ़ी सिक पेशेंट रहे, सीवियर डिजीज थी। तो ये 3 कैटेगरी पेशेंट है। अब इन 3 कैटेगरी पेशेंट्स को, जो कि जिनको कोविड नहीं हुआ, वो तो अभी इमीजिएटली अपनी सर्जरी बुक करके और अपना इलेक्टिव सर्जरी का काम करा सकते हैं, पर
पर जिन लोगों को कोविड हुआ है, माइल्ड डिजीज हुई है, कैटेगरी वन पेशेंट, उनको कोविड से रिकवर होने के 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। हमारी ये रिकमेंडेशन है कि 2 हफ्ते, और जिन पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ पर डिजीज माइल्ड टू मॉडरेट थी, ऐसे पेशेंट को 3 to 4 वीक्स कि वो अपनी रिकवरी के 1 महीने बाद में अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। और जो लोग सीवियर कोविड हुआ था वो लोगों को ये सलाह है कि वो एटलीस्ट यदि सर्जरी डेफर कर सकते हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह पे एटलीस्ट 3 मंथ के लिए इस सर्जरी को डेफर करें, क्योंकि कोविड रिकवरी में सीरियस पेशेंट्स की लंग कैपेसिटी को डेवलप होने में करीब इतना टाइम लग जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक, कई बार हम सोच रहे थे नहीं अभी कोविड पूरा खत्म हो जाएगा तब सर्जरी करेंगे, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए, तो उसका ये है कि हमारे हर्निया के पेशेंट थे जो आज से 6 महीने पहले पोस्टेड थे, तो अब वो स्ट्रैंगुलेटेड, कई पेशेंट को कोविड भी हुआ और कोविड के दौरान उनको हर्निया रुक गया आके इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, उसमें उनके लिए कईयों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है ऐसी सर्जरी। कई लोगों को पाइल्स की सर्जरी होती है, हेमरॉइड्स थे, जब उनको कोविड हुआ तो कोविड में उनको स्टेरॉइड चले तो वो डिजीज उनकी इतनी एग्जीजरेटेड हो गई कि उनको काफी ब्लीडिंग हुई, तो उनके लिए ड्रैगन कॉम्प्लिकेशन है। तो हमें ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि जैसे मैंने अपने केस में किया कि जब भी हमारे को कोई इलेक्टिव सर्जरी एडवाइज की जाती है तो हमें टाइम पे हमारी पहली फुर्सत में जब हम ऑप्टिमाइज हो अपनी सर्जरी को करवा लें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें सर्जरी कहाँ पे करानी चाहिए। ये हमारे इंडिया में वाला सोशल स्टिग्मा है, जो पेशेंट हम पे आते हैं, मेरे पास आए कहते हैं मैं सर्जरी तो कराऊंगा पर मैं कोविड का टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो ये बात बड़ी अजीब सी है क्योंकि सर्जरी करानी है पर कोविड का टेस्ट नहीं कराना। फिर वो नर्सिंग होम की तरफ जाते हैं, वहां डॉक्टर से पूछते हैं आप कोविड का टेस्ट तो नहीं कराओगे, तो ठीक है सर्जरी वहां करवा लेते हैं। तो यदि आप ये समझ रहे हो कि कोविड का टेस्ट नहीं कराने से सर्जरी सेफ हो जाएगी, जबकि इसका उल्टा है। आज सर्वोदय हॉस्पिटल का मैं एग्जांपल देता हूं, हमने यहाँ पे हेल्थ बबल का निर्माण किया है। हेल्थ बबल का मतलब क्या होता है कि हमने एक कॉरिडोर बनाया है कि जो सर्जरी के पेशेंट थे इलेक्टिव सर्जरी के लिए उसका सेपरेट ओटी है, उनका वेंटिलेशन सिस्टम सेपरेट है, वहां पे जो भी स्टाफ है वो डबल वैक्सीनेटेड है और उनका डेली चेकअप होता है कि ओटी में जाने से पहले कि उनको किसी तरह का कफ कोल्ड फीवर तो नहीं है या वो सिम्टम्स तो नहीं है, और यदि उनका टेस्ट भी करना होता है तो ऐसा वीकली चेकअप होता है जिससे कि उस एनवायरमेंट में रहने वाले, चाहे वार्ड बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है, उनका डेली इस बात का पता हो कि जो हेल्थ बबल में लोग जा रहे हैं उनका कि वो नेगेटिव है या नहीं है। तो इसीलिए उस हेल्थ बबल में कोई भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो इलेक्टिव पेशेंट का RT-PCR जरूर करते हैं, और कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है तो वो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है, RT-PCR की फैसिलिटी पे भी हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास में 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। तो हम उस पेशेंट के लिए सेपरेट ओटी वेंटिलेशन सिस्टम अलग है, कोविड पेशेंट के लिए अलग से ओटी बनाए हुए हैं, उसको वहां शिफ्ट करते हैं। बाकी जो हेल्थ बबल में खाली वही पेशेंट एंटर करता है कि जो कि कोविड नेगेटिव होता है। तो ये हमारे क्राइटेरिया, तो मैं कहता हूं इसमें अपना मेंटल स्टिग्मा दूर रखना चाहिए कि बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं वो कोविड का टेस्ट करा दें तो उसे डरना नहीं है, सीटी चेस्ट या कोविड करा के डॉक्टर देखते हैं कि आपको कोविड तो नहीं है, क्योंकि कोविड का टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि यदि हमें सर्जरी एडवाइज हुई, कल को हम एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव हैं तो ऐसे पेशेंट को यदि एनेस्थीसिया जाएगा तो चांसेस हैं कि उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट की रिकवरी में टाइम लगता है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये मेंटल स्टिग्मा निकालना है कि तो टालने की जो हमारे इंडियंस में आदत होती है कि नहीं अभी का और करा लेंगे, गॉल ब्लैडर में कुछ नहीं हो रहा। आप ये नहीं मानोगे कि 2019 में मैंने जिन लोगों को सर्जरी एडवाइज की थी दिसंबर के आसपास, उनमें से 4-5 पेशेंट अब पेन के साथ लैंड अप किए, और यू कांट बिलीव इन फरवरी जब हम काफ़ी काम कर रहे थे, मैंने करीब 95 सर्जरीज करी, उसमें हमने करीब 40 गॉल ब्लैडर सर्जरी करी हैं, उनमें से 5 पेशेंट्स को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये खाली कोविड ही जान नहीं लेता है, आपको ये मानना पड़ेगा और सारी डिजीज हैं। आज कैंसर CA गॉल ब्लैडर एडवांस होने के बाद में बंदे का सर्वाइवल 6 मंथ का भी नहीं है, और जबकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी 1 डे की होती है, तो बीमारी को डिले करना भी अपने आप में बहुत हजार्डियस है। तो अपने डॉक्टर से शीघ्र मिलें और ये गाइडलाइन के हिसाब से उनसे मिलकर तय करें, सलाह डॉक्टर की माने और सेफ रहें, खुश रहें, और साथ में जो हमारी नेशनल गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें, और जब भी हॉस्पिटल में आए। दूसरी बात है, एक बात और ध्यान रखनी है कि आज आप मुझे देख लीजिए कि 20 के बाद में मैं हॉस्पिटल में करीब 10 से 12 घंटे गुजारता हूँ। अभी मैंने कोविड पॉजिटिव की इमरजेंसी सर्जरीज भी करी हैं,
हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे रहता हूँ, कोविड के पेशेंट भी देखता हूँ, पर आज तक मैं भगवान की कृपा से, अभी आगे का नहीं पता, अभी तक मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल में जाते ही कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है। तो हॉस्पिटल में अपनी प्रिकॉशन के साथ में मास्क लगा के आए, जितना बाहर रिस्क है उतना ही हॉस्पिटल में रिस्क होता है। तो मेरा आपसे ये कहने का है, स्वस्थ रहें, खुश रहें, भ्रांतियों पे ना जाएं, और जो भी निर्णय लेना है अपने फैमिली डॉक्टर या कंसर्न डॉक्टर से मिलकर लें, अपने बीमारी को आगे ना बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।